मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राफेल खरीदी को लेकर प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे और सबसे पहले पर्री नाला दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाने के बाद स्वर्गीय उदय मुदलियार के घर पहुंचकर सल्पाहार कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल लड़ाकू विमान 126 में से सिर्फ 36 खरीदकर देश के सुरक्षा के साथ समझौता किया है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कहते हुए तंग कसा और राजनांदगांव से डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए, जहां मां बम्लेश्वरी के दर्शन कर देश के जनता के खुशहाली की प्रार्थना की। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगता हूं। राफेल की डील में उन्होंने खुले रूप से हस्तक्षेप किया और अब ये पोल खुल चुकी है। रक्षा सचिव ने साफ कहा है कि या तो आप नेगोशिएशन रक्षा मंत्रालय को करने दीजिए या प्रधानमंत्री कार्यालय करें। इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे के सीधे फ्रांस की सरकार के साथ जो नेगोशिएशन चालू किए बिना रक्षा मंत्रालय को बताए हुए, इसका मतलब यह है कि उन्होंने राफेल हवाई जहाज को खरीदने में रक्षा मंत्रालय को विश्वास में नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला और देश के नागरिकों के साथ झूठ बोला। राफेल के हवाई जहाज 126 खरीदने थे, उन्होंने उसको कम करके 36 किए। इस देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने समझौता किया, इसलिए उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ में रक्षा मंत्री जी जिन्होंने देश को गुमराह किया उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जमीनी हकीकत यह है कि प्रियंका गांधी जी को देश के 100% कार्यकर्ता उन्हें कांग्रेस में सक्रिय रूप से लाने के लिए इच्छुक थे और हम आभारी हैं राहुल गांधी जी के जो उन्होंने हमें यह अवसर दिया। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 20।